नमस्कार, मैं हूं ऋषभ और आज हम बात करेंगे उस नारे की जिसने उत्तर प्रदेश के सियासी और सामाजिक माहौल में हलचल मचा दी है, और वो है जुड़ोगे तभी बचोगे। ये नारा दिया है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के मुखिया और कुंडा के विधायक राजा भैया ने। लेकिन ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक संदेश है, एक पुकार है एकता की, जुड़ाव की और समाज को मजबूत बनाने की। हाल ही में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के साथ राजा भैया ने झांसी में सनातन हिंदू पदयात्रा में हिस्सा लिया। इस यात्रा का उद्देश्य था हिंदू समाज में एकता का संकल्प, और वहीं से उठा ये सवाल कि क्या हम बटकर रहेंगे या साथ जुड़कर अपने भविष्य को बेहतर बनाएंगे। संभल हिंसा की घटनाओं ने हमें झकझोर कर रख दिया, वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की खबरें हमारी आत्मा को झकझोर देती हैं। राजा भैया ने इन घटनाओं पर गहरी चिंता जताई और कहा कि अगर हम जुड़ेंगे नहीं तो हम सुरक्षित भी नहीं रह पाएंगे। संभल हिंसा हो या दुनिया में कहीं भी अत्याचार, ये हमारी एकता को तोड़ने की कोशिशें हैं, लेकिन अगर हम साथ खड़े रहेंगे तो कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती, इसलिए जुड़ोगे तभी बचोगे। तो सवाल ये है, क्या हम राजा भैया के इस संदेश को समझने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी एकता को मजबूत करने के लिए आगे आएंगे? आज ये नारा सिर्फ एक राजनीतिक संदेश नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए एक अपील है जो शांति, प्रेम और जुड़ाव में विश्वास रखता है। आज हमें तय करना होगा कि हम जुड़ेंगे, क्योंकि साथ चलने वाले ही इतिहास बनाते हैं। धन्यवाद।